हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। तो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर क्या बोला गया है, अ स्क्रू गेज विद अ पिच ऑफ 0.5 mm एंड अ सर्कुलर स्केल विद 50 डिवीजन्स इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको गिवन है पिच के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों पिच कितनी गिवन है, 0.5 mm की पिच गिवन है। आपको याद होगा पिच का मतलब क्या था, कि पिच वो लीनियर डिस्टेंस है जो सर्कुलर स्केल ट्रेवल करता है ऑन मेन स्केल, सर्कुलर कैप को वन कंप्लीट रोटेशन देते हो। यानी कि पिच अपने को बच्चों कितनी गिवन है, 0.5 mm। और यहां पर आपको गिवन है सर्कुलर स्केल जिस पे 50 डिवीजन्स हैं। यानी कि अगर हम यहां पर देखें नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स, तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो सर्कुलर स्केल पर टोटल 50 डिवीजन्स आपको गिवन है। क्या इन दो इंफॉर्मेशन से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो स्क्रू गेज हम यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट क्या होगा? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर सबसे पहला काम तो यही है कि हम फाइंड करें लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। जो याद करिए, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है उसका फॉर्मूला क्या था? वैसे तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलर स्केल पर जो डिवीजन्स होते हैं, हमें पता है कि वन कंप्लीट रोटेशन में पिच के बराबर डिस्टेंस चल रहा है। और लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, सर्कुलर स्केल पर एक डिवीजन घुमाने पर कितना चलेगा। यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, यहां पर सिंपल सा, यहां पर हम लिखेंगे पिच कितनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स, CSD। तो बच्चों यहां पर पिच अगर आप देखो तो पिच आपको कितनी गिवन है, 0.5 mm, और इसको हम क्या कर रहे हैं, 50 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां से बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, लीस्ट काउंट इसको हम लिख सकते हैं यहां पर 0.01 mm। ये आपके पास क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया। अब एक बात समझिएगा, इसके बाद इसमें बोला गया है बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जॉज ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट द 45th डिवीजन कॉन्साइड्स विद द मेन स्केल लाइन एंड द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। मतलब बच्चों मेन स्केल का जीरो बड़ी मुश्किल से विजिबल हो रहा है और 45th डिवीजन मेन लाइन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। कब? जब दोनों जॉ एक दूसरे के साथ टच करें। जैसे इस पॉइंट को समझिए कि यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेन स्केल हो गया और मेन स्केल पर बच्चों ये सपोज हो गया मेन स्केल का जीरो, ये हो गया मेन स्केल का जीरो। यहां पर बोला जा रहा है मेन स्केल का जीरो बहुत मुश्किल से विजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चों यहां पर आप ये मान के चलिए कि जो आपका सर्कुलर स्केल होगा वो यहां पर जीरो से राइट में नहीं होगा, ये जीरो से थोड़ा इस तरफ होगा या जीरो को नियरली कवर कर रहा होगा। मतलब इस तरह का कुछ सर्कुलर स्केल की सिचुएशन होगी। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, मान लीजिए जस्ट इसको कवर कर रहा है ताकि बड़ी मुश्किल से ही दिख पा रहा है। और यहां पर क्या क्या बोला जा रहा है कि 45th डिवीजन यहां पर मेन लाइन से कॉन्साइड कर रहा है। तो आप जरा इस चीज को समझिए कि हमने इसको किस सेंस में रोटेट किया होगा और यहां पर किस तरह की एरर है। बच्चों देखो, सबसे पहली बात, जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं रखी हुई है, और ये कह रहा जीरो भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि वो जो मेन स्केल पर रीडिंग है वो तो जीरो है। मतलब थोड़ा बहुत इसमें यहां पर आप देखो तो सिचुएशन बच्चों ये रही होगी कि आपको पता है, जैसे कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये थंब को आप जीरो मान लो, तो आपको पता है जीरो ये है तो ऊपर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे घूमते हुए जब आप आएंगे तो 45 46 47 48 49 50, मतलब वापस जीरो, ऐसा कुछ रहा होगा। तो देखो दो तरीके होते हैं, एक तो आप बच्चों इसको कैसे घुमा सकते हो, इस तरह से रोटेट कर सकते हो कि दोनों जॉ के बीच में गैप बनना स्टार्ट हो ताकि हम कोई ऑब्जेक्ट रख सकें। एक तो ऐसे रोटेट करते हैं, यानी कि अगर ये जीरो बच्चों नीचे चला जाए, जीरो अगर मेन लाइन के नीचे हो जाए तो क्या होगा, 1 2 3 4 में से कोई लाइन होगी, उसको बोलते थे पॉजिटिव जीरो एरर। लेकिन बच्चों अगर हम कहें कि जीरो ऊपर लाई कर रहा है, जो कि ये वाली सिचुएशन है बच्चों, यहां पर जीरो जो होगा वो ऊपर लाई कर रहा होगा, यहां पर जीरो ऊपर लाई कर रहा होगा। क्यों? देखो
अगर आप इस जीरो को वापस मेन स्केल पर लाओगे तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप जीरो को यहां पर लेके आए तो आप इसको जब एंटी क्लॉक रोटेट करोगे, मेरे अकॉर्डिंग ये एंटी क्लॉक है, ऐसे रोटेट करोगे तो ये क्या होगा, सर्कुलर स्केल पीछे आएगा और वो कुछ गैप बनेगा वहां पर। इसका मतलब कि जीरो रीडिंग दिखाने के लिए वहां पर कुछ हमें रखना पड़ेगा। इन शॉर्ट हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि बच्चों ये नेगेटिव जीरो एरर है। अच्छा कितना घुमाना पड़ेगा सोचो, ये 45 है, ये जीरो है, मतलब बीच में बच्चों कितना हो गया 5, यानी कि 5 डिविजन होंगे यहां पर। जैसे ही 45 है तो यहां क्या होगा 46, 47, 48, 49 और 50, मतलब ये जीरो हो गया। यानी कि अगर यहां पर मैं देखूं तो बच्चों यहां पर क्या बोल सकते हैं कि जो जीरो एरर होगी, जीरो एरर होगी वो यहां पर क्या होगी बच्चों, पहली बात तो नेगेटिव जीरो एरर होगी। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर जीरो रेफरेंस लाइन से नीचे है तो पॉजिटिव जीरो एरर है, ऊपर है तो नेगेटिव जीरो एरर है। और कितनी है, अब ये मत करना 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, ये केवल 5 डिविजन्स हैं। आप इसको वापस यहां पर ले आइए, ये हो जाएगा, ठीक है, तो 5 डिविजन्स है ना, तो यहां पर क्या होगा 5 × लीस्ट काउंट। और बच्चों लीस्ट काउंट कितना है 0.01, यानी कि हो जाएगा 0.05 mm। ये तो होगी जीरो एरर, नेगेटिव है। अच्छा इसके बाद देखिए, वट इज द थिकनेस ऑफ द शीट, शीट की थिकनेस फाइंड करनी है। इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm एंड 25th डिवीजन कॉन्साइड्स विद द मेन स्केल लाइन। तो बच्चों अब जरा रीडिंग का फॉर्मूला लगाते हैं, याद करिए बच्चों रीडिंग का फॉर्मूला क्या था, एक तो मेन स्केल रीडिंग चाहिए प्लस हम क्या करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, ये मैंने आपको बताया था लीस्ट काउंट, और यहां पर क्या करना है जीरो एरर को सबट्रैक्ट कर देना है, जीरो एरर को सबट्रैक्ट कर देना है। तो बच्चों मेन स्केल पर 0.5 mm की रीडिंग है तो मेन स्केल तो हो गया 0.5 mm। अच्छा सर्कुलर स्केल पर बात करें तो ये कह रहा है 25th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, मतलब बच्चों ये कितना हो जाएगा 25 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 माइनस जीरो एरर, बच्चों जीरो एरर खुद नेगेटिव है 0.05। अब आप देखो तो ये बच्चों कितना हो गया 0.5 प्लस ये कितना है, ये बच्चों 0.25 और ये है प्लस 0.05, तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.30। तो बच्चों 0.50, 0.30, 0.80 mm हो जाएगा ये। बहुत सिंपल सा है, मतलब बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आप छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान दें। और बच्चों हो सकता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसमें केवल आपसे लीस्ट काउंट पूछ लिया जाए स्क्रू गेज का, या सिर्फ जीरो एरर पूछ ली जाए, या फिर रीडिंग तक तो बहुत फाइनल होता है कि रीडिंग पूछ ली जाए तब तो काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, बट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ठीक है, तो आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखें एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। बच्चों हम एक वायर है जिसकी डायमीटर मेजर कर रहे हैं, और जब हम उसकी डायमीटर मेजर करते हैं तो देखो यहां पर आपको पता है कि जब स्क्रू गेज की बात करते हैं तो यहां पर दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल एक सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल पर बच्चों जो रीडिंग है वो है 0 mm, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग जीरो हो गई, और सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको गिवन है 52 डिविजन्स, यानी कि बच्चों यहां पर क्या होगा जो 52 डिविजन्स वहां पर क्या हो चुके होंगे क्रॉस होके, 52 वाला जो पार्ट है वो मैच कर रहा होगा रेफरेंस लाइन से। तो इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां पर बच्चों क्या होगा कि जैसे ये रेफरेंस लाइन हो गई और ये अपना क्या हो गया सर्कुलर स्केल हो गया, तो यहां पर जो 52 डिविजन्स होंगे वो यहां पर 52nd वाला यहां पर बच्चों कॉन्साइड कर रहा होगा इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पर क्या लिखा है 1 mm ऑन द मेन स्केल, 1 mm ऑन द मेन स्केल करेस्पॉन्ड टू 100 डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल। इस चीज को समझो, ये कह रहा है कि मेन स्केल पर जो 1 mm है वो सर्कुलर स्केल के 100 डिविजन्स के करेस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब बच्चों ये है कि सर्कुलर स्केल पर जब आप 100 डिविजन्स चलोगे, यानी कि अगर हम यहां पर बात करें नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, तो बच्चों ये कितने हैं 100, और 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन जब हम घुमाएंगे तो क्या होगा ये 1 mm चलेगा मेन स्केल पर। यानी कि हम यहां पर सीधे सीधे बोल सकते हैं जो पिच यहां पर गिवन है वो यहां पर कितनी है 1 mm है, ये बच्चों आपको गिवन है। तो क्या यहां से हम सबसे पहले तो ये फाइंड कर सकते हैं
कि भाई लीस्ट काउंट क्या होगा। तो बच्चों लीस्ट काउंट अगर हम देखें स्क्रू गेज का, ये सबसे पहला काम तो यही आपका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, बच्चों स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो यहां पर कितना लिखोगे, 1 mm डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों ये कितना हो गया, 0.01 mm। ये अपने को क्या मिल गया, लीस्ट काउंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है डायमीटर क्या होगी, तो इसका मतलब इन शॉर्ट आपसे रीडिंग पूछ रहा है। तो बच्चों यहां पर रीडिंग हम क्या लिखेंगे, रीडिंग में लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। और बच्चों यहां पर जीरो एरर की कोई बात नहीं की गई है, तो उसको हम यहां पर नहीं लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी है अपने पास है, 0 mm है, यानी कि इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब सर्कुलर स्केल पर अगर हम देखें तो 52, यानी कि 52 इंटू 0.01। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये अगर आप देखें तो अपने पास ये तो जीरो हो गया, और ये भी किस में आ रहा है, mm में आ रहा है। तो ये बच्चों अपने पास कितना हो गया, 0.52 mm। या फिर अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा, 0.052 सेंटीमीटर। तो बच्चों अपना जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा सही है, अपना आंसर है फोर्थ, 0.052 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करो इसको। अब बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है अ स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ प्रिज्म। बच्चों यहां पर मेनली आपको दो चीजों पर फोकस करना है, सबसे पहले तो एक मेन स्केल रीडिंग पर और सेकंड है वर्नियर स्केल रीडिंग पर। आप इसे बिल्कुल वैसे ही डील करो जैसे वर्नियर कैलिपर को डील करते थे। तो यहां पर क्या है, मेन स्केल रीडिंग बच्चों कितनी है, 58.5 डिग्री, और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, 9 डिवीजन। यानी कि बच्चों वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब क्या है यहां पर, कि जो वर्नियर स्केल पर 9th डिवीजन होगा वो मेन के किसी ना किसी के साथ कॉन्साइड कर रहा होगा। आगे क्या गिवन है इसमें, 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 0.5 डिग्री। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, वन मेन स्केल डिवीजन यहां पर क्या है, 0.5 डिग्री, वन मेन स्केल डिवीजन। इसके बाद गिवन है कि वर्नियर स्केल पर बच्चों टोटल 30 डिवीजन है, जो कि मेन स्केल के 29 डिवीजन के साथ मैच होते हैं। इट मींस हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 30 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्विवेलेंट टू 29 मेन स्केल डिवीजन। अब जरा एक बात समझना, क्या बच्चों यहां से मैं ये फाइंड कर सकता हूं कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, तो ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 30 मेन स्केल डिवीजन, और मुझे पता है कि मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.5 डिग्री। अब देखिए मेन स्केल डिवीजन पता चल गया, वर्नियर स्केल डिवीजन पता चल गया, तो क्या यहां पर हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट का। तो यहां पर हम फाइंड करते हैं लीस्ट काउंट। तो बच्चों लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहां पर क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन बच्चों यहां पर क्या है, 0.5 डिग्री, ऐसे लिख लीजिए, माइनस ये कितना है 29 बाय 30, और मेन स्केल डिवीजन मतलब 0.5 डिग्री। एक काम कर सकते हैं, 0.5 डिग्री कॉमन कर लो, और बच्चों अंदर क्या आएगा, 1 माइनस 29 बाय 30, तो ये कितना हो गया, 1 बाय 30, यानी कि हो गया 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री डिवाइडेड बाय 30। ये हो जाएगा बच्चों यहां पर लीस्ट काउंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या गिवन है, मेन स्केल रीडिंग और यहां पर वर्नियर स्केल रीडिंग। तो बच्चों ओवरऑल जब हम रीडिंग यहां पर फाइंड करेंगे, रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग हम लेंगे, इसमें बच्चों हम ऐड करेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, और एरर वगैरह है नहीं इसमें, तो बस हम इतना ही रखेंगे। तो मेन स्केल पर बच्चों रीडिंग कितनी है अपने पास, 58.5 डिग्री, प्लस वर्नियर स्केल पर बच्चों 9th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा होगा, तो 9 into, और लीस्ट काउंट अपने पास क्या है, 0.5 डिवाइडेड बाय 30, ये बच्चों किस में आएगा, डिग्री में। तो देखो ये अपने पास कितना हो गया, 58.5 डिग्री, तो बच्चों ये हो गया, और ये अगर आप देखोगे तो ये बच्चों अपने पास आ जाएगा 0.15 डिग्री। तो बच्चों जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 58.65 डिग्री। तो ये आंसर अगर आप देखो 58.65 डिग्री, तो ये फोर्थ ऑप्शन बच्चों यहां पर करेक्ट होगा, 58.65 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है, अच्छे समझ लेना है कि भाई ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है।
तो आपने देखा मेन स्केल और वर्नियर स्केल, तो हमें समझ में आ गया मेन स्केल डिवीजन निकालो, वर्नियर स्केल डिवीजन निकालो, लीस्ट काउंट मिल गया उनका डिफरेंस लेके। एक बार लीस्ट काउंट मिल गया वर्नियर स्केल रीडिंग से मल्टीप्लाई करके और मेन स्केल रीडिंग उसमें ऐड कर दी, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो इसको। अब बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, एरर एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो एरर एनालिसिस पर बच्चों क्वेश्चन है, आप एक बार अच्छे से रीड करें। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को समझना है, वो यहां पर ये है। इसमें बोला गया स्टूडेंट मेजर्स द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस। वैसे ये वाला पार्ट बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके लिए। तो यहां पर सिंपली आपसे बोला गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसके 100 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड मेजर किया जाता है, और वो बच्चों यहां पर चार बार ऐसा किया जाता है, मतलब कि 4 times वो इसको रिपीट करता है, मतलब 4 times वो यहां पर टाइम पीरियड मेजर कर रहा है। द डाटा सेट इज 90 seconds, 91 seconds, 95 seconds एंड 92 seconds। बच्चों आप खुद समझो, जब इसने चार बार उसी चीज को मेजर किया, 4 times मेजरमेंट लिए, तो इसको 4 sets ऑफ वैल्यूज मिलेंगी। तो मतलब जो टोटल अगर हम देखें, तो फर्स्ट टाइम जब इसने मेजर किया तो इसको वैल्यू यहां पर कितनी मिल रही है, 90 seconds। सेकेंड टाइम मेजर किया, इसको वैल्यू क्या मिल रही है, 91 seconds। थर्ड टाइम इसने मेजर किया, इसको वैल्यू क्या मिल रही है, 95 seconds। और फोर्थ टाइम इसने मेजर किया, तो इसको वैल्यू क्या मिल रही है, 92 seconds। तो बच्चों यहां पर अगर देखो तो 4 values हैं, 4 times इसने मेजरमेंट लिए। इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 second, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों यहां पर बोला जा रहा है कि जो जिस क्लॉक से हम ये पूरा मेजर कर रहे हैं उसमें जो मिनिमम डिवीजन है, मिनिमम डिवीजन का मतलब आप कह सकते हो लीस्ट काउंट, कि वो क्लॉक कम से कम कितना मेजर कर सकती है, 1 second, मतलब 1 second वहां पर मिनिमम डिवीजन है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो लीस्ट काउंट है इस क्लॉक का, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग क्लॉक बच्चों यहां पर कितना है, वो 1 second है। इसका मतलब यह है कि क्लॉक या तो 1 second मेजर कर सकती है या फिर वो सीधे 2 second मेजर करेगी, क्योंकि उसमें जो मार्किंग है वो 1 1 second पर होंगी। तो या तो वो 1 second मेजर करेगी या 2 second मेजर करेगी या 3 second मेजर करेंगी, इस तरह की वैल्यूज यहां पर मेजर हो सकती हैं। अब जरा बात समझिएगा, T1, T2, T3, T4 चार वैल्यूज हैं। आपसे पूछ रहा है द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। बच्चों आपको इसमें बताना है कि जो मीन टाइम है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले काम करते हैं कि हम इनमें से किसी को भी सही नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, इन सब का एवरेज फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहां पर जो एवरेज फाइंड करें, तो टी एवरेज कितना होगा यहां पर, टी एवरेज इसके लिए हम क्या करेंगे, 90, 91, 95 और 92, इन सबको ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। बच्चों जब इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 92 सेकेंड, यानी कि जो एवरेज टाइम आएगा वो 92 सेकेंड आएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखो तो सब में 92 सेकंड आपको मिल रहा है, 92 सेकंड सभी में है। तो अब हमें क्या करना होगा, एरर देखनी होगी। तो एरर के लिए आप क्या करोगे, देखो जैसे बच्चों यहां पर समझें कि पहली बार मेजर किया था 90 सेकंड था, फिर 91 सेकंड था, फिर 95 सेकंड था, उसके बाद 92 सेकंड है। ये तो जो आपने मेजर किया वो है। इसके बाद अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें, वो बच्चों यहां पर कितनी है, 92, 92, 92, 92, इसी को हम ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे, इसी 92 सेकंड को बच्चों हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। अब एरर अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम में कितनी एरर आ रही है, 2 सेकंड की, यानी डेल्टा टी की मॉड वैल्यू देखें तो बच्चों फर्स्ट टाइम में एरर कितनी है, 2 सेकंड की, सेकंड टाइम में कितनी है, 1 सेकंड की, थर्ड टाइम में कितनी है, 3 सेकंड की, फोर्थ टाइम में कितनी है, 0 सेकंड की। तो आप क्या करो, इन सब का एवरेज ले लो तो आपको एवरेज एरर मिल जाएगी। तो यहां पर बच्चों एवरेज एरर अगर हम देखें तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगी, देखो 2 + 1 + 3 + 0 डिवाइडेड बाय कितने हैं, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहां पर देखो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/4, यानी कि ये हो गया 1.5 सेकंड। अब देखो यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। देखो क्या है, क्या हम अपना आंसर इस तरह से दें कि 92 सेकंड प्लस माइनस 1.5 सेकंड की एरर हो सकती है। बच्चों ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है, लेकिन पॉइंट यहां पर क्या है कि 1.5 सेकंड मेजर नहीं किया जा सकता। क्लॉक अगर मेजर करेगी, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग क्लॉक यहां पर बच्चों क्या है, 1 सेकंड है। तो क्लॉक अगर कुछ मेजर करेगी तो या तो वो 1 सेकंड बता सकती है
या फिर 2 सेकंड मेजर कर सकती है या 3 सेकंड मेजर कर सकती है। तो या तो आप अपना आंसर ये दो या ये दो या ये दो, इस तरह के आंसर दोगे आप। 1.5, 2.5 या 2.6 इस तरह के आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि ये चीज मेजर ही नहीं हो पाएगी। तो आप अपना आंसर फिर क्या दोगे कि भाई देखो ये तो पता है एरर 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है तो बच्चों हम क्या लेंगे सीधे 2 सेकंड, क्योंकि देखो या तो वो 1 बताएगा या 2 बताएगा। अब ये बात तो समझ में आ रही कि एरर 1 से तो ज्यादा है, तो हम किधर चले जाएंगे 2 सेकंड। तो अपना आंसर जो बच्चों आपको बताना चाहिए क्या बताओगे, 92 ± 2 सेकंड। तो ये बच्चों अपना आंसर जाएगा, यानी कि अपना आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि लीस्ट काउंट के हिसाब से आपको सोचना है कि लीस्ट काउंट अगर 1 है तो 1, 2, 3, 4 इस तरह के आप अपने आंसर रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, नोट करो इसको बच्चों। यहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है एक्यूरेसी और एक है प्रिसीजन। अब आप देखो यहां पर एक बात समझ चुके हो कि अगर हम एक नॉर्मल स्केल से मेजर करते हैं तो बच्चों मेजरमेंट किस टाइप की आएगी, 2.3 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। लेकिन उसी को अगर हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं तब जो आपको वैल्यू मिलेगी, या फिर अगर हम उसको स्क्रू गेज से मेजर करते हैं तब जो आपको वैल्यू मिलेगी, उसमें अगर आप देखो तो एक अलग इंफॉर्मेशन होगी। जैसे कि अगर आपको नॉर्मल स्केल से 2.3 सेंटीमीटर मिल रही है तो हो सकता है बच्चों जब आप वर्नियर कैलिपर से मेजर करो तो आपको वही वैल्यू 2.36 सेंटीमीटर मिल जाए, या फिर अगर आप उसी को स्क्रू गेज से मेजर करो तो 2.364 सेंटीमीटर मिल जाए। तो यानी कि ज्यादा इंफॉर्मेशन किसमें होगी और ज्यादा प्रिसीजन किसमें होगा। ठीक है, ये सारी चीजें किससे पता चल रही कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हो। तो अब जरा समझिएगा, एक टर्म है बच्चों एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब यह है कि भाई कोई भी वैल्यू, एक्यूरेसी आपको क्या बता रही है कि कोई भी मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है वो उतना ज्यादा एक्यूरेट है। जैसे मान लीजिए कि ट्रू वैल्यू अगर सपोज किसी लेंथ की जो एक्चुअल लेंथ है, सपोज ट्रू लेंथ है जो, वो सपोज है 2.0 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे कहूं कि 1.8, कोई 1.8 मेजर करता है, कोई 1.9 मेजर करता है, तो 1.8 और 1.9 में ज्यादा एक्यूरेसी किसमें है, तो आप कहोगे 1.9 में है, क्योंकि 1.9 2 के ज्यादा क्लोज है। तो सिंपल सा है कि बच्चों एक्यूरेसी हमें क्या बता रही है, एक्यूरेसी हमें बता रही है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा क्लोज होगी उतना ज्यादा वो एक्यूरेट मानी जाएगी। ठीक है, प्रिसीजन डिफरेंट टर्म है बच्चों। प्रिसीजन हमें क्या बताता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं यहां पर, सपोज मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे ये एक रॉड है इसकी लेंथ मेजर करनी है। मैंने अलग अलग स्टूडेंट्स को बोला कि इसकी लेंथ मेजर करके बताओ, तो सपोज एक ने बताया कि भाई इसकी जो लेंथ है वो यहां पर 5.2 सेंटीमीटर है। दूसरे स्टूडेंट ने बताया नहीं सर इसकी लेंथ 5.23 सेंटीमीटर है, और एक स्टूडेंट मुझे बता रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो है 5.236 सेंटीमीटर। अब आप इन तीनों को देखो और आप बताओ कि किसकी बात सुनकर के ये लगेगा कि ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा किसे पता है इस लेंथ के बारे में, कौन सा स्टूडेंट है जो हमें ज्यादा बता रहा है। अब वो ज्यादा जो बता रहा है जो ही नहीं कि जो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हो सही होगी, अभी हम एक्यूरेसी पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोर इंफॉर्मेटिव कौन सी है, किसकी बात सुनकर आपको लगेगा नहीं इसे इस लेंथ के बारे में ज्यादा पता है। तो आप कहोगे भाई पहले वाले ने तो 5.2 बताया, ये यहां पर बच्चों 5.23 बता रहा है, मतलब कि वो ये भी बता पा रहा है कि यहां पर कौन सी डिजिट है, यानी कि इसके कंपैरिजन में देखें तो ये वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है। और बच्चों इसकी अगर हम बात करें, ये जो थर्ड बता रहा है वो कह रहा 5.236, मतलब ऐसा लग रहा है इसको ये वाली डिजिट का भी पता है और इस डिजिट का भी पता है, मतलब कि ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई। तो जिस वैल्यू में ज्यादा इंफॉर्मेशन बच्चों होगी वो उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो मोर प्रिसाइज का मतलब क्या, मोर इंफॉर्मेटिव, आप ऐसा बोल सकते हो। तो बच्चों प्रिसीजन आप इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हो, भाई तीनों क्या ये जैसे मान लीजिए पहला स्टूडेंट मेजर कर रहा है, दूसरा, तीसरा, इन मेजरमेंट्स को देख के क्या लग रहा है, क्या ये तीनों सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई होंगी? नहीं, ये बच्चों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई होंगी। इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अगर मैं आपसे बात करूं, इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। बच्चों इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.01 सेंटीमीटर। इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.001 सेंटीमीटर। तो सबके लीस्ट काउंट डिफरेंट है, तीनों इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है। तो जो ज्यादा प्रिसाइज है, जैसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव कौन सी, ये वाली वैल्यू, इन तीनों में देखें तो ये सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव, ऐसा लग रहा है इसी को सब कुछ पता है।
सबसे ज्यादा इसी को पता है लेंथ के बारे में, तो ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ज्यादा इंफॉर्मेटिव इसलिए बच्चों मोर प्रिसाइज है। अगर आपसे पूछे इन सब में सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है, विच वन इज मोस्ट प्रिसाइज, तो हम कहेंगे थर्ड वैल्यू सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। और प्रिसीजन आपको इनडायरेक्टली क्या बता रहा है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा है, लीस्ट काउंट के बारे में बता रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रिसीजन इंडिकेट्स फ्रॉम विच इंस्ट्रूमेंट द मेजरमेंट इज टेकन। सिंपल सा कि किस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजरमेंट लिए, वो आइडिया आपको कौन दे रहा है, प्रिसीजन। तो बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। बच्चों आपको यहां पर चार अलग अलग मेजरमेंट दी गई है, आपसे पूछा है ज्यादा प्रिसाइज कौन है। जैसे एक है 2.0 सेंटीमीटर, इसको सुन के लग रहा है कि हाँ ठीक है, इसे डेसिमल के एक प्लेस तक का आइडिया है 2.0, उसके आगे का इसको आइडिया नहीं है, पता नहीं क्या होगा उसके आगे। इसको सुनकर के क्या लग रहा है, ये कह रहा नहीं 2.00, मतलब वो बच्चों डेसिमल के टू प्लेस तक बता पा रहा है कि नहीं, इधर भी जीरो उसके बाद भी जीरो, मतलब ये थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव लग रहा है। थर्ड देखें, ये कह रहा है ये 2.000, ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, 2.0000 सेंटीमीटर, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव तो बच्चों ये है। इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि मोस्ट प्रिसाइज कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे, जो मोस्ट प्रिसाइज है वो ये है। तो अपना आंसर क्या होगा, लास्ट वाला। तो ये चीज थोड़ा आप मतलब दिमाग में रखिए कि प्रिसीजन हमें बता रहा है, इंस्ट्रूमेंट का आइडिया दे रहा है, प्रिसीजन हमें बता रहा है कौन ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें मेनली जो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के जितने मैंने क्वेश्चंस कराए, बस आप उन्हीं के अच्छे से प्रैक्टिस करें, इससे ज्यादा आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।